हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्या होता है जब कोई भी शेयर सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट बनता है। आई होप सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। आप प्लीज़ इसका रिक्वेस्ट कीजिएगा अगर आपको अभी नहीं पता है या अभी तक नहीं पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। एक इंडिकेटर होता है, इसमें इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को लिया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है। निफ्टी इंडिया की 50 बड़ी कंपनी का ग्रुप है, सेंसेक्स इंडिया की 30 बड़ी कंपनी का ग्रुप है। फाइन, तो इसमें आना गर्व की बात होती है। तो अगर कोई कंपनी का शेयर इसका पार्ट बनता है, इस ग्रुप का पार्ट बनता है, ठीक है, तो ये गर्व की बात है। तो उस केस में इसका शेयर प्राइस बढ़ता है, और अगर इस कोई भी शेयर इससे निकलता है, इससे हटा दिया जाता है, तो उस केस में उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है। फाइन सर, ये 50 ही रहेगा। हाँ, नियम है एज पर सेबी रेगुलेशन, और आप समझ सकते हैं एनएससी बीएससी का जो भी कमेटी वगैरह है, इसमें 50 शेयर लिया गया है निफ्टी में और 30 लिया गया है, मतलब 31 नहीं हो सकता या 51 नहीं हो सकता। अगर किसी को आना है तो किसी को जाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो जाएगी, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आएगी। फाइन, तो आपको मैंने एक शॉर्ट में समझा दिया कि निफ्टी सेंसेक्स का पार्ट होना एक गर्व की बात होती है हर एक कंपनीज के लिए। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, जस्ट एक रीडिंग करके दिखाऊंगा, और सेंसेक्स में भी बताऊंगा ताकि आइडिया लग जाए कि हाँ ये सारी कंपनी एज ऑफ नाउ होती है। ये भी चेंज हो सकती है अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई कंपनी फ्रॉड करती है, कोई कंपनी अगर चीटिंग करती है, कोई कंपनी अगर सही प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देती है, सही मार्केट वैल्यू नहीं होती है, तो उसको निकाल भी दिया जा सकता है। ये फ्रिक्वेंटली होता है। तो आप देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइज को पार्ट बनाया गया निफ्टी का, और अदानी इंटरप्राइज जब निफ्टी का पार्ट बनी तो आप देख सकते हैं उसके शेयर प्राइस बढ़े। अदानी इंटरप्राइज हिट्स न्यू हाई ऑन इंक्लूजन इन निफ्टी 50। तो मेरा पूरा प्रैक्टिकल मैंने प्रूफ कर दिया, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको मैंने प्रैक्टिकली यहां प्रूफ कर दिया। अदानी ग्रुप के एक और शेयर की निफ्टी 50 में हुई एंट्री, श्री सीमेंट को किया रिप्लेस, श्री सीमेंट गया और अदानी आया। अदानी इंटरप्राइज में सी $189 मिलियन इनफ्लोस। तो होता क्या है, कोई भी शेयर अगर निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट बनता है तो बड़े बड़े FIIs और FPIs और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनीज में ही लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अदानी इंटरप्राइज का शेयर खरीदेंगे, और डेफिनेटली आप साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है सी इनफ्लो ऑफ $189 मिलियन। तो बड़ी बात है, तो सेंसेक्स निफ्टी में आना ही अपने आप बड़ी बात है, और लोग इन्वेस्टमेंट्स बहुत करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के कंपनीज में। फाइन, बहुत सारे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बेंचमार्क बना के रखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनीज का। तो निफ्टी सेंसेक्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वही कॉम्पोजिशन वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। फाइन सर, तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एक और न्यूज, यस बैंक का शेयर प्राइस 4% गिरा क्योंकि निफ्टी से उसे हटा दिया गया, और ये श्री सीमेंट का शेयर प्राइस 6% बढ़ा क्योंकि निफ्टी में मिला दिया गया। तो काफी फ्रिक्वेंटली होता है। अभी आप देख सकते हैं श्री सीमेंट को हटाया गया था और अदानी इंटरप्राइज को लाया गया था। यहां पर ये न्यूज में बताया गया कि यस बैंक को हटाया गया, श्री सीमेंट को लाया गया। तो ये काफी फ्रिक्वेंटली ये सब चीजें होती है। यस बैंक का काफी नेगेटिव न्यूज आया था, काफी इसमें फ्रॉड भी हुआ था, काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, काफी एनपीए, और कभी एक बार तो पूरे बैंक को बंद कर दिया गया था कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं यस बैंक का शेयर प्राइस गिरा और श्री सीमेंट का शेयर प्राइस बढ़ा। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आई होप आपको पूरा नॉलेज हुआ होगा। आइए निफ्टी और सेंसेक्स की एक बार कंपनीज एज ऑन टुडे जो हैं उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। फाइन सर, देख सकते हैं मेरे पास सेंसेक्स के कंपनीज के नाम हैं, लार्सन, ICICI बैंक, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, इंडिया की नंबर वन कंपनीज में से सब एक है, रिलायंस, M&M, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, SCLTech, SBI, एशियन पेंट्स, मारुति, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक, HDFC, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ITC, एक्सिस बैंक, HDFC, TCS, बजाज फिनसर्व, NTPC, कोटक महिंद्रा, विप्रो, HUL, टाइटन, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड। तो ये आप समझ सकते हैं इंडिया की जानी पहचानी कंपनीज है। और भी अच्छी कंपनीज हो सकती है लेकिन वो इसके पार्ट नहीं बन पा रही है, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में हो। यहाँ पे कोई भी कंपनी का खराब परफॉर्मेंस होता है या कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली रिसफल हो सकता है। ये स्टैग्नेंट नहीं है लिस्ट, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। आइए निफ्टी के एक बार कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। निफ्टी में देखते हैं रिलायंस, लार्सन, अदानी इंटरप्राइज, ICICI बैंक, बजाज। निफ्टी NSE का इंडिकेटर है, सेंसेक्स BSE का इंडिकेटर है, तो एक कंपनी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है। तो यहाँ पर रिलायंस यहाँ पर भी और वहाँ पर भी होगी क्योंकि उनकी बेस्ट में भी रिलायंस आएगी, इसकी बेस्ट में भी रिलायंस आएगी, कोई कंपनी तो एक ही है।
रिलायंस, लार्सन, अदानी इंटरप्राइज, ICICI बैंक, अदानी इंटरप्राइज वहाँ नहीं था, सेंसेक्स में था, देखिए यहाँ पर है, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स, ITC, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, यहाँ 50 बेस्ट कंपनीज होंगी इंडिया की, एक्सिस बैंक, JSW स्टील, SBI, UPL, ONGC, डीवीज लैब, हीरो मोटोकॉप, एशियन पेंट, सिप्ला, SBI लाइफ इंश्योरेंस, अल्ट्राटेक, विप्रो, कोल इंडिया, BPCL, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, NTPC, टाटा स्टील, TCS, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, हिंडालको, SCL, HUL, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, आईचर मोटर, ग्रासी, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC टाइटन कंपनी। तो जस्ट मैंने जस्ट रीड किया कि आपके कानों में इस बातें जाएं कि ये सारी कंपनी इंडिया की अच्छी कंपनी, अगर आप जॉब देख रहे हो तो इन सब कंपनीज में देखो, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से है, जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा है। इसी तरह से आपको लर्निंग और अर्निंग के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपको देता रहूँगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, CA CMA, कॉमर्स स्टूडेंट्स से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिले, विद लाइव स्किल्स ट्रेनिंग भी आपको मिले। फाइन, अगर अभी भी आपको कोई नॉलेज नहीं स्टॉक मार्केट का, तो आप डेफिनेटली डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट क्लासेस के लिए हमें मेल कर सकते हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो हायर लेवल पर रहे, और हर एक कंपनी में और हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में आप नंबर 1 पोजीशन में रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।